I would like to introduce. Hi guys, welcome to Hindi Technique और मैं हूँ आपका दोस्त जीतू। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग थोड़ा दूसरा चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज तक मेरा चैनल में जो भी वीडियो आया है उसमें मैक्सिमम जो है बहुत सारा एक्सेल का ट्रिक आता है, वीडियो एडिटिंग का ट्रिक आता है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग टोटली डिफरेंट जाएंगे और आज का इस ट्यूटोरियल में हम लोग थोड़ा फोटोशॉप के बारे में बात करेंगे। फोटोशॉप में बहुत सारा के काम होता है, उसमें एक सबसे बढ़िया काम जो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है एज़ पर माई ओपिनियन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि जैसे ये लेफ्ट साइड में जो इमेज है, ये इमेज में देखिए बहुत सारे बबल्स है, तो सभी बबल्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर है। और ये बबल्स का जो इमेज है इसको मैंने एडिट किया ये राइट साइड वाला इमेज में। तो इसमें देखिए पूरा बैकग्राउंड जो है ब्लैक एंड वाइट है और इसमें दो तीन बबल्स जो है मैंने ऐसे कलर करके आपको जस्ट दिखाने के लिए किया है। तो ये जो कलर का इफेक्ट है, तो ये इफेक्ट कैसे देता है नहीं देता है वो आज हम लोग थोड़ा सीखेंगे। तो ये वीडियो शुरू होने से पहले, तो दोस्तों जो लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का ऑप्शन है वो बेल का ऑप्शन को ऑन करके रखिए। तो क्या होता है, हम लोग जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो वीडियो डायरेक्टली आपके पास सबसे पहले पहुंच जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने फोटोशॉप जो है ओपन कर लिया, फोटोशॉप CC 2014। तो फोटोशॉप में मैंने जो ये बनाया था ये अभी आपके पास सामने है। तो इसको क्या करता हूँ, जो कुछ भी इफेक्ट मैंने दिया था वो सभी इफेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है ओरिजिनल इमेज है। अभी ये इमेज में हम लोग जो इफेक्ट देंगे, हम लोग जो चीज़ करेंगे वो चीज़ हम लोग अभी देखते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, आप जो भी आपका जो भी इमेज है वो इमेज को आप फोटोशॉप में लेके आइए। लेके आने के बाद जो है आप इसका लेफ्ट साइड में जाइए, यहाँ पे ये आपका जो क्विक सिलेक्शन टूल है, ठीक है, राइट क्लिक कीजिए इसमें। देखिए ऊपर में रहता है क्विक सिलेक्शन टूल और नीचे है इमेज वन टूल। तो इसमें देखिए ऊपर से काउंट कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4 नंबर पे है। तो 4 नंबर पे जो टॉपर है वो क्विक सिलेक्शन टूल, आपका कीबोर्ड में जो W है उसको भी प्रेस करके हॉट के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अभी क्या है, सिलेक्ट करने के बाद आप ऑल्ट दबा के आपका जो माउस का स्क्रॉल बटन है इसको स्क्रॉल कीजिए तो जूम हो जाएगा। ये बेसिक नीड है, मैं ऐसे ही आपको बोला, अगर आपको मालूम है तो बढ़िया है, नहीं मालूम है तो आपको मालूम हो गया। तो अभी क्या है, जो पर्टिकुलर पोर्शन को आप मान लीजिए, ये बहुत बड़ा इमेज है आपके पास, ये मैंने एक छोटा इमेज लिया है, ये बड़ा इमेज है मान लीजिए आपके पास। तो ये बड़ा इमेज में जो है ये छोटा सा पार्ट को आप कलर ओरिजिनल कलर रखना चाहते हैं या फिर उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, और बाकी का जो पोर्शन है उसको कलर या फिर ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं। तो जो पोर्शन को आप इससे डिटैच करना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, आप जूम कीजिए उस पर। जूम करने के बाद जो है इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा आराम से देख के सिलेक्ट कीजिए। आप अपना हिसाब से आपको जैसा चाहिए वैसे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं ऐसे राफली सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ले लिया, फिर ये वाला ले लेता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है ये इमेज, इसलिए मैं ये इमेज को लिया, चूज़ किया। और ऐसा ये वीडियो देखते देखते अगर आपको कुछ दूसरा चीज़ जानकारी चाहिए फोटोशॉप के बारे में या फिर वीडियो एडिटिंग के बारे में या फिर कोई भी टेक्निकल, किसी भी टेक्निकल क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसका जो है वीडियो जितना जल्दी हो सके बना के आपके सामने लेकर आने का कोशिश करूँगा। तो देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे जो है आप भी अपना जो है कर लीजिए, जो इमेज को आप रखना चाहते हैं, ठीक है ना, जो इमेज को रखना चाहते हैं पर्टिकुलर वो इमेज को एकदम धीरे धीरे आराम से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको थोड़ा सा अब अगर आपका जो है माउस में हाथ सेट नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता है, नॉर्मली ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने के लिए। तो चलिए मैं ये तीनों और इधर का एक रेड वाला ले लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये अभी हो गया। तो ये होने के बाद जो है अभी हम लोग का एक काम है जो इसको करना है, राइट क्लिक कीजिए जो सिलेक्शन किया, ठीक है, जो ये जो चार मैंने सिलेक्शन किया, मान लीजिए आप एक ही जगह में सिलेक्ट किया, मान लीजिए ऐसा कॉर्नर है या फिर बीच में कहीं भी है,
जहाँ पे सिलेक्ट किया वहाँ पे जाके राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आता है, देखिए लेयर वाया कॉपी, ठीक है ना, ये जो है लेयर वाया कॉपी, इसको आप क्लिक कीजिए। देखिए इधर में एक नया लेयर बन गया राइट साइड में आपका, जो यहाँ पे लेयर्स है, लेयर्स में देखिए एक नया वाला लेयर बन गया। तो नीचे का जो है हम लोगों का बैकग्राउंड जो है ओरिजिनल वाला, इसको ऑफ करके देखते हैं क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे चार जो है बबल्स आ गया है। अभी क्या काम है, अभी जो काम है, आप ऊपर में एक है और नीचे एक है। अभी जो है इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया है कि जो चीज़ को आप ऊपर में रखेंगे वही चीज़ जो है आप कलरिंग रख पाएंगे, और नीचे जो लेयर रहेगा, मान लीजिए मेरा जो है यहाँ पे बैकग्राउंड नीचे आ गया, तो नीचे वाला जो है उसको हम लोग खाली ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट दे सकते हैं। ऊपर वाला जो इस, जैसे मैंने ये जो चार बबल सिलेक्ट किया है, इसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट नहीं दे सकते, ठीक है। इसको देने जाएंगे तो नीचे वाला वो भी ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्या है, अभी नीचे वाला को सिलेक्ट कीजिए, देखिए ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट जाइए, एडजस्टमेंट जाने के बाद ये जो ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन है, आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट चूज़ कर लीजिए। देखिए बैकग्राउंड जो है आपका ब्लैक एंड वाइट आ गया, और ऊपर का जो है ये चार बबल्स या फिर आपका जितना है उतना बनाइए, बना मतलब जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना पोर्शन, ऐसे मैंने जैसे दिखाया ऐसे छोटा छोटा करके सिलेक्ट कीजिए, करके आप आराम से अपने हिसाब से बनाइए। दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, आगे और ऐसा वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए मेरा वीडियो, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय।